पाकिस्तान बार कौंसिल ने तो पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, गो के बार कौंसिल को ये इल्म ही नहीं था कि वो उनका ज़िला झेलम है या सरगोधा है। लेकिन कल का जो फैसला आया, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, यही लेवल प्लेइंग फील्ड मिली जिसकी हदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? प्राचा साहब, हमने जब बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की, बहुत सारे दोस्तों को बड़ा फील हुआ और इतने हद तक उन्होंने तनकीद की, टाइमिंग ठीक नहीं है जी। अब आप बताएं, इलेक्शन से पहले हमने अपनी अब जो है वो तहफुजात का इजहार किया, तो टाइमिंग और क्या होती है? क्या इलेक्शन के बाद अगर हम ये बात करते तो वो दुरुस्त था? बात सिर्फ ये है कि जो चीज हमने बतौर इदारा फील की, उसका जिसका इदराक हुआ हमने उसको एलैबोरेट कर दिया और हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जी ये साजिश कर रहे हैं। हमारा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक, ना किसी पार्टी के स्पोक्समैन, बल्कि हमने पूरी दयानतदारी के साथ एक बात जो हमें समझ आई हमने उसका इजहार कर दिया। एनीवेज, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर इनका फायदा कोई नहीं है। और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा फैसले का ताल्लुक है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करूंगा कि ये पीटीआई के दोस्तों को पता था कि फैसला क्या होना है और उनको ये भी पता था कि वो टारगेट बने हुए हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं इस चीज का इदराक किया और इलेक्शन इस तरीके से क्यों नहीं कराए कि उन पे उंगली ना उठ सके? दो तीन दिन और ले लेते 20 दिन। लेकिन पाशा साहब खुद बैरिस्टर गोहर खान पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें बताए तो सही कि हमारे इलेक्शन क्यों दुरुस्त नहीं है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने दुरुस्त इलेक्शन नहीं करवाए, तो क्या वीकनेसेस हैं फिर आपकी नजर में? मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम पोलिटिकल पार्टी एक जैसे ही इलेक्शन कराती है 19-20 के फर्क से, लेकिन इस दफा पीटीआई टारगेट थी, उनको भी पता था, सबको पता था, तो उन्हें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था अपने रूल्स का। जो अपना उनका तरीकाकार है उसको वो देखते, उसको बेहतर अंदाज में अगर कर देते तो ज्यादा बेहतर था। ज्यादा बेहतर था। इधर रुकिएगा पाशा साहब, इधर रुकिएगा।